हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, जजमेंट एनालिसिस की क्लास में आज हम एक रीसेंट केस को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज ऑन सेक्शन नंबर 319 सीआरपीसी। काफी इंपॉर्टेंट केस है, फाइव जजेस बेंच का डिसीजन है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर दिस केस एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए। 319 पे लास्ट की वीडियो में हमने केस किया हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो भी फाइव जजेस बेंच डिसीजन था। अब यहाँ पे हमने जाना कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड 319, सेक्शन नंबर 319 कहता क्या है, ये सारी चीजें हम कर चुके थे। और जो भी इनके डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं सेक्शन नंबर 319 में, उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, इतना हम कवर कर चुके थे विद द हेल्प ऑफ द लॉ दैट इज लेड डाउन इन हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014। सबसे पहले केस का साइटेशन ले लीजिए, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सुखपाल सिंह खेड़ा को एंड बी ऑनरेबल जस्टिस बी एस चौहान, ही हैज गिवन दी जजमेंट। सो फॉर योर रेडी रेफरेंस, पहले मैंने सेक्शन नंबर 319 को यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो जानते हैं, पहले थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि व्हाट इज सेक्शन नंबर 319। 319 एक एडिशनल प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन है। ये ऐसे लोगों को डील करने के लिए बनाया गया जिनका नेम एफआईआर में किसी वजह से नहीं आया, या फिर जिनके अगेंस्ट कॉलम बी यानी कि क्लोजर रिपोर्ट डाल दी गई, पुलिस ने डाल दी, सो दैट उनको पनिशमेंट नहीं हो। तो सेक्शन नंबर 31 कहता है कि कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है, एविडेंसेस से अगर ये अपीयर होता है कि इस पर्सन ने भी ऑफेंस किया है, तो दूसरे लोगों के साथ जो ऑलरेडी एक्यूज्ड हैं उनके साथ इनका भी ट्रायल हो। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे एक रेड कर रखा है कि Not being the accused, एक ऐसा person जो अभी accused नहीं है, जिसका नाम FIR में नहीं है या जिसके favor में closure report है, अगर evidences से ऐसा लगता है कि he has committed any offence, तो उस offence के लिए that person he could be tried together with the accused। तो यहाँ पे guys लिखा हुआ है could be tried together। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ऑलवेज क्या जॉइंट ट्रायल हो, इसको फिर से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी, इन सब ने मिलकर एक ऑफेंस किया और अब चार्जशीट जो गई है मैजिस्ट्रेट के पास वो सिर्फ ए प्लस बी के खिलाफ गई। अब सी को वो शील्ड करना चाह रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स चाह रहे हैं कि सी कानून की नजरों में ना आए, इसलिए वो क्लोजर रिपोर्ट डाल रहे हैं, उनके खिलाफ केस ना चले। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली एविडेंसेस से कोर्ट को लगता है कि सी ने भी क्राइम किया है, तो अब यहाँ पे इसको सी को कोर्ट क्या करेगी, इम्प्लीड करेगी बाय इनवोकिंग सेक्शन नंबर 319। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इस पर्सन का जॉइंट ट्रायल हो, एक साथ ट्राई किया जाए ए प्लस बी के साथ, या फिर इसका सेपरेट ट्रायल भी हो सकता है। तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि जिस पर्सन को आप बाद में एक्यूज्ड बनाते हो, जिस पर्सन के अगेंस्ट आप 319 को यूज करके कॉग्निजेंस लेते हो, उस पर्सन का कैसा ट्रायल होगा, जॉइंट ट्रायल होगा विद द अदर पर्सन हु आर ऑलरेडी एक्यूज्ड इन द केस, हमारे केस में ए प्लस बी, पिछली वीडियो के एग्जाम्पल को कॉन्टिन्यू कर रही हूँ, या फिर इसका सेपरेट ट्रायल भी हो सकता है। आपने सेक्शन में पढ़ा कि कुड बी ट्राइड टुगेदर, कुड बी का क्या मतलब होगा, अब ये क्वेश्चन इस केस में उठा था, शशिकांत सिंह वर्सेस टर्केश्वर सिंह 2002 का केस था, टू जजेस बेंच ने डिसीजन दिया यहाँ पे कि ये जो जॉइंट ट्रायल वाली रिक्वायरमेंट है ना कि कुड बी ट्राइड जॉइंटली, ये जो जॉइंट ट्रायल वाली रिक्वायरमेंट है ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज ओनली डायरेक्टरी इन नेचर, यानी कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि आप जॉइंट ट्रायल कराना चाहते हैं उस पर्सन का जिसको आपने अभी एक्यूज बनाया, या फिर आप उसका सेपरेट ट्रायल करना चाहते हैं। सेपरेट ट्रायल कैसे होता है, अलग से करोगे, स्प्लिट अप ट्रायल बोलोगे आप उसको। सो यहाँ पे जो कुड बी का वर्ड का जो यूज हुआ है, दैट इज डायरेक्टरी इन नेचर, अल्टीमेटली इट इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट कि आप कैसे करना चाहते हो, जॉइंट और सेपरेट। आई होप आपको इतना समझ आया।
अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगी सिंपल वे में, सो दैट आप इस केस के इशू को समझ पाएं कि क्या क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है कोर्ट और क्या गाइडलाइंस दे रही है इस केस में। तो समझते हैं कि सपोज कीजिएगा कि 20 पर्संस ने मिलकर किसी ऑफेंस को किया, 20 लोगों ने मिलकर एक ऑफेंस को किया किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट। सपोज कर लो एक्स ले लिया हमने विक्टिम, पर हमारे फैक्ट्स के लिए विक्टिम की इतनी अभी इम्पोर्टेंस नहीं है, आप समझिए कि इशू क्या है। सो 20 पर्सन ने मिलकर एक ऑफेंस किया। अब क्या होता है यहाँ पर कि FIR हो गई, कितने लोगों के खिलाफ? 20 लोगों के खिलाफ। 20 पर्सन के खिलाफ क्या हो जाती है? FIR यहाँ पे हो जाती है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, पुलिस स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन। अब वहां पे वो 19 लोगों को तो अरेस्ट कर लेती है, और 19 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और एक पर्सन है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मतलब ये पर्सन भाग चुका है, पुलिस इज नॉट एबल टू कॉट हिम, उसको नहीं पकड़ पा रही। अब यहाँ पे क्या होता है लॉ में, आप क्या कर देते हो, जो पर्सन नहीं मिलता उसके केस को क्या कर देते हो, स्प्लिट कर देते हो। तो स्प्लिटिंग ऑफ द केस, क्योंकि एक पर्सन नहीं भी पकड़ा जा रहा, जो लोग हैं उनका ट्रायल तो हो, तो यानी कि 19 लोगों का तो अलग से ट्रायल होगा, सेपरेट ट्रायल चलने लगा, और ये जो एक पर्सन था यहाँ पर, इस पर्सन का केस को क्या कर दिया गया, स्प्लिट अप कर दिया गया। इसको मैं नाम दे देती हूँ कि ये जो है मेन ट्रायल है, 19 लोगों का जो ट्रायल है दैट इज द मेन ट्रायल, और इसको मैं कह रही हूँ कि दिस इज द स्प्लिट अप केस, ये होता है। अब आगे क्या होता है, आगे की क्या स्टोरी है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 319 कब यूज हो सकता है एज पर हरदीप केस, बिफोर द पासिंग ऑफ जजमेंट, बिफोर पासिंग ऑफ जजमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि जजमेंट में क्या इंक्लूड होगा। अब यहाँ क्या होता है आप समझो, अब ये क्या होता है कि लेटर ऑन पुलिस अरेस्ट कर लेती है इस एक पर्सन को भी, जो पहले क्या होता है, हु वॉज अर्लियर एब्सकॉन्डिंग, जो पहले भाग रहा होता है उसको भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। अब एक तो था हमारा मेन ट्रायल, अगर मैं इसको बोल दूं कि दिस इज द मेन ट्रायल, कितने लोगों का, 19 लोगों का, और एक हमारा है क्या, सेपरेट ट्रायल, स्प्लिट अप ट्रायल उस पर्सन का हु वॉज एब्सकॉन्डिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ट्रायल है ना, यहाँ पे मेन ट्रायल में प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस के जो भी एविडेंसेस हैं, ये सारी स्टेज ऑलरेडी हो चुकी है, ये क्रॉस हो चुकी है, सारा स्टेज हो चुका है। अब जिस दिन पर इनका कन्विक्शन हो रहा है, इन 19 लोगों का जो कन्विक्शन हो रहा है जजमेंट के डे पे, कोर्ट क्या कर रही है यहाँ पर, एक सेक्शन नंबर 319 का यूज कर रही है, और जो इस केस में एपेलेंट है सुखपाल सिंह, यहाँ पे हम इसको कुछ नेम नहीं देते, आप इसको सुखपाल सिंह ही इसी नेम से पुकारेंगे हम इसको। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर रही है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट आप सेक्शन नंबर 319 को इन्वोक कर रहे हो, और आप सुखपाल सिंह को एडिशनली प्रोसिक्यूट करना चाह रहे हो बाय इन्वोकिंग सेक्शन नंबर 319 ऑफ सीआरपीसी, ये हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि आपने कहा था कि जजमेंट पास करने से पहले सेक्शन नंबर 319 यूज होना चाहिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम डे पे दोनों ही प्रोविजन हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो उठता है कि क्या आप इस पावर को इस टाइम पर एक्सरसाइज कर सकते थे कि जब जजमेंट पास कर रहे हो साइमल्टेनियसली यू आर यूजिंग द पावर ऑफ 319, इज इट पॉसिबल? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। फॉर अ टाइम बीइंग अगर मैं हरदीप को फॉलो करके इस क्वेश्चन को आंसर कर दूं कि नो, आप पावर को यूज नहीं कर सकते थे, तो फिर दूसरी पार्टी कह रही है कि कोई बात नहीं,
if the main trial is concluded, even if the main trial is concluded, अभी स्प्लिट अप ट्रायल तो चल रहा है, सो स्प्लिट अप ट्रायल इट इज स्टिल गोइंग ऑन, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अभी एक स्प्लिट अप ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर हम एक्सरसाइज कर भी लिया पावर का। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो भी था, स्प्लिट अप ट्रायल अभी चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो सकता था कि स्प्लिट अप ट्रायल चल रहा है तो आप करो। एक फिर ये सेकंड क्वेश्चन बनाया गया कि अगर मेन ट्रायल कंक्लूड हो चुका है और स्प्लिट अप ट्रायल स्टिल चल रहा है, तो क्या आप सेक्शन नंबर 319 को यूज कर सकते हो, और कर सकते हो तो किन हालातों में कर सकते हो। थर्डली वही क्वेश्चन है कि कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी कि जिससे इफेक्टिव यूज हो पाए 319 का। अब यहाँ पे मैं आपको आंसर बिफोर हैंड दे रही हूँ, अदरवाइज ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया मेन ट्रायल में और स्प्लिट अप ट्रायल में, अब मेन ट्रायल में कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस आए होंगे, और जब स्प्लिट अप ट्रायल चल रहा है एब्सकॉन्डिंग वाले का, तो भी कुछ प्रोसिक्यूशन विटनेस आए होंगे। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि कौन से वाले ट्रायल में, स्प्लिट अप में या फिर मेन ट्रायल में, किस ट्रायल में वो एविडेंस आया जिसके बेसिस पे आप सेक्शन नंबर 319 को इन्वोक कर रहे हो, और एपिलेंट हैं जो हमारे केस में, उनको एडिशनली प्रोसिक्यूट कर रहे हो बाय इन्वोकिंग 319। अगर तो ये मेन ट्रायल में आया एविडेंस और ये ट्रायल कंक्लूड हो चुका है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 319 एंड एज पर द डिसीजन ऑफ हरदीप केस, फिर चाहे स्प्लिट अप केस चल रहा हो, स्टिल यू कैन नॉट यूज सेक्शन 319 टू एडिशनली प्रोसिक्यूट, फिर आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज होती और प्रोसिक्यूशन विटनेस ऑफ स्प्लिट अप केस, यहाँ से अगर आपको एविडेंस मिलता और ये अगर स्प्लिट अप केस अभी भी ऑनगोइंग होता, फिर आप 319 यूज कर लेते। पर फैक्ट्स में क्या था केस के, कि ये जो एविडेंस आया था इट केम फ्रॉम मेन ट्रायल एंड नॉट फ्रॉम द स्प्लिट अप ट्रायल। इसलिए अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट, क्योंकि आप ये बोल रहे हो ना कि जजमेंट तब नहीं कर सकते, बट जजमेंट का भी तो मीनिंग पता होना चाहिए। क्योंकि जजमेंट कब कंप्लीट मानी जाती है, कि जब कन्विक्शन हो जाए या फिर जब सेंटेंस भी हो जाए। सेंटेंस भी तो एक इंटीग्रल पार्ट होता है जजमेंट का। तो हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट। आप कह रहे हो कि द पावर कैन बी एक्सरसाइज बिफोर पासिंग ऑफ द जजमेंट, सो इन दैट केस वी शुड ऑल्सो नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जजमेंट फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन नंबर 319। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि जजमेंट ऑफ कन्विक्शन का क्या होगा मीनिंग, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फिर ये थर्ड है, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। लेट्स गिव इट अ रीड। वेदर द ट्रायल कोर्ट हैज द पावर अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी फॉर समनिंग एडिशनल अक्यूज्ड व्हेन द ट्रायल विद रिस्पेक्ट टू अदर को अक्यूज्ड हैज एंडेड एंड द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन रेंडर्ड ऑन द सेम डेट बिफोर प्रोनाउंसिंग ऑफ द समनिंग ऑर्डर, कि जजमेंट ऑफ कन्विक्शन आ गई सेम डे पर, साइमल्टेनियसली बोल दो या सेम डे पर ऐसा हो गया, बिफोर प्रोनाउंसिंग ऑफ द समनिंग ऑर्डर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बना कि वेयर द ट्रायल कोर्ट, वेदर द ट्रायल कोर्ट हैज द पावर अंडर 319 फॉर समनिंग एडिशनल अक्यूज्ड व्हेन द ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड whose presence is subsequently secured is ongoing, having been bifurcated from the main trial. I hope आपको ये भी समझ आ रहा होगा। And ultimately about the guidelines, कि court क्या guidelines दे competent court को to exercise 319। यहाँ तक clear होंगी चीजें। अब एक चीज समझना,
अब हम एक सेक्शन पे रिलाई करने वाले हैं। यहाँ कह रहे हैं कि इन व्यू ऑफ सेक्शन नंबर 354 व्हिच एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट एन ऑर्डर ऑन क्वांटम ऑफ सेंटेंस इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। इस अगर आपने सेंटेंस ऑर्डर पास नहीं किया, सेंटेंस ऑर्डर इफ नॉट पास्ड, फिर इसका क्या इफेक्ट है? इसका इफेक्ट है कि जो आपकी जजमेंट है, दैट इज स्टिल इनकम्प्लीट। क्योंकि क्या होना चाहिए कि कन्विक्शन ऑर्डर के साथ क्या आना चाहिए? कन्विक्शन ऑर्डर के साथ सेंटेंसिंग ऑर्डर भी आना चाहिए कि कितना पनिशमेंट मिलना है, वो भी तो पता होना चाहिए। सो 354 को हम यहाँ पे रिलाई कर रहे हैं। फंक्टस ऑफिशियो का क्या मतलब है कि जो कोर्ट की जो पावर है वो सीज नहीं हो जाती ऑन कन्विक्शन ऑर्डर, रादर जब पूरा सेंटेंस ऑर्डर पास होता है तब द कोर्ट बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो। कोर्ट डज नॉट लूज इट्स पावर ऑन कन्विक्शन। अब यहाँ पे देन दे आर रिलाइंग अपॉन सेशंस ट्रायल के दो सेक्शन पे। आपको सबको पता होगा कि ट्रायल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वॉरेंट, समन, सेशंस ट्रायल। तो हम सेशन ट्रायल्स के सेक्शन नंबर की हेल्प लेने के लिए, सपोर्ट देने के लिए अपनी रीजनिंग को रिलाई कर रहे हैं कि एक्विटल का क्या मतलब होता है कि एक्यूज इज नॉट गिल्टी। जिस दिन आप एक्विटल दोगे वहीं बात खत्म हो जाएगी। बट वेन इट कम्स टू कन्विक्शन, तो यहाँ पे क्या कहा गया, 235(2), ये डेथ सेंटेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, 235 डेथ सेंटेंस में इट इज हैविंग ह्यूज ह्यूज इंपॉर्टेंस। आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि यस दिस इज द सेक्शन नंबर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 235 कह रहा है कि उसके बाद क्या करते हो आप, कन्विक्शन ऑर्डर के बाद आप ये बताते हो कि कितना सेंटेंस होना चाहिए, और ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एक्यूज्ड को हमें क्या देनी होती है, हियरिंग प्रोवाइड करनी होती है, हियरिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होती है एज पर 235। यहां से भी मतलब निकल कर आ रहा है कि सेंटेंसिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द जजमेंट। तो फिर यहाँ पे क्या बोला गया, क्योंकि जब आप सेंटेंस करोगे दोगे कि कितनी देनी है, तब भी तो आप वापस एविडेंसेस पे जाओगे टू सी हाउ ब्रूटल द क्राइम वॉज, कि कितना क्राइम की क्या ग्रेविटी थी, ये सारी चीजें देखने के लिए। फिर ये सेक्शन नंबर 355 जो कंटेंट्स ऑफ जजमेंट एक्सेट्रा, इस पे रिलाई करते हुए कहते हैं कि आ जजमेंट बिकम्स कंप्लीट व्हेन सेंटेंस ऑर्डर इज पास्ड। जब सेंटेंस ऑर्डर क्या होता है, पास होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर बाइफरकेट हुआ, आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि अगर स्प्लिट अप ट्रायल होता है एंड दैट इज स्टिल पेंडिंग, फिर आपको देखना होता है कि कौन से केस में से एविडेंस आ रहा है। अगर मेन ट्रायल से एविडेंस आ रहा था और वो कंक्लूड हो चुका है, सो इन दैट केस यू कैन नॉट इन्वोक 319। और अगर स्प्लिट अप से एविडेंस आ रहा है तो आप कर सकते हो, यू कैन इन्वोक। ठीक है, तो आपको इतना समझ आया होगा। अब जब आप एडिशनली प्रोसिक्यूट करते हो तो उस एक्यूज का ट्रायल कैसा होना चाहिए, हमने उस पे भी बात करी। ठीक है, ये आंसर है, आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। अगर आप नोट्स बनाते हो तो यू कैन ऐड दिस और पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो। लास्टली कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस को पढ़ते हैं, पढ़ना आपको खुद है। लेट मी जस्ट टेल यू इन ब्रीफ कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। पहली बात तो ये, जब कोर्ट को लगता है कि हाँ हमें सेक्शन नंबर 319 की पावर का एक्सरसाइज करना है, विच इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक स्ट्रॉन्ग और कोजेंट एविडेंसेस होने पर ही आप इस पावर का इस्तेमाल करें प्रूडेंटली। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो ट्रायल जहां से एविडेंस आ रहा है उस ट्रायल को क्या कर दो, पॉज कर दो। क्योंकि अब आपको 319 की करनी है और आपको एक समन ऑर्डर भेजना है किसके लिए, उस पर्सन को जिसको आप एडिशनली प्रोसिक्यूट करना चाहते हो। फिर ये कह रहे हैं कि पहले तो कोर्ट इस नीड को ही डिसाइड करे कि वेदर देयर इज अ नीड टू समन दी पर्सन जिसको आप एक्यूज बनाना चाहते हो, जिसके अगेंस्ट आप कॉग्निजेंस लेना चाहते हो बाय इनवोकिंग दिस प्रोविजन। फिर आप सेटिस्फाई हो कि हाँ जी नीड है,
फिर क्या करना चाहिए? तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि आप तब तक प्रोसीड नहीं करो मेन केस में जब तक समन ऑर्डर ना आ जाए और दूसरा पर्सन आपके सामने ना आ जाए, प्रेजेंट ना हो जाए कोर्ट के सामने। तो सच समनिंग ऑर्डर शैल बी पास बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद द मेन ट्रायल। तब तक के लिए उसे रोके रखो, गोइंग बैक टू गाइडलाइन नंबर वन। फिर उसके बाद क्या यहाँ पे क्या होगा कि जब आप उस पर्सन को समन ऑर्डर भेज दोगे जिसको आप एडिशनली प्रोसिक्यूट करना चाह रहे हो, फिर वो पर्सन अपियर होगा। जब वो अपियर होगा तो आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आप ट्रायल को ज्वाइंट करना चाहते हो, वेदर यू वॉन्ट टू ट्राई ज्वाइंटली, या फिर आप क्या करना चाहते हो, आप सेपरेट ट्रायल कंडक्ट करना चाहते हो, फिर आप उस पर डिसीजन लो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर डिसीजन ज्वाइंट ट्रायल का भी है, इवन इफ द डिसीजन इज फॉर ज्वाइंट ट्रायल, द फ्रेश ट्रायल शैल बी कमेंस्ड ओनली आफ्टर सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ द समंड एक्यूज्ड। अब यहाँ पे वाई फ्रेश ट्रायल, क्योंकि आप एक पर्सन को दोबारा से ला रहे हो और यू कैन नॉट यूज द ऑलरेडी टेकन एविडेंस अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट थोड़ी ना यूज कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे वो पर्सन था ही नहीं, उसको तो क्रॉस एग्जामिनेशन का भी राइट नहीं मिला बेचारे को। मोर ओवर इट इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन नंबर 3194 कि इसका जो होता है सारा जो एविडेंसेस एक्सेट्रा होते हैं दैट शुड बी डी नोवो, फ्रेश होने चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए जिससे कि। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ जी ट्रायल सेपरेटली कर लेते हैं हम, क्योंकि आप सपोज करो कि लास्ट स्टेज पे ट्रायल पहुंचे जा रहा है और कोर्ट को लगता है कि इनको तो एक्विट करना पड़ेगा, इतना खास मामला लगता नहीं, ये पर्सन लग रहा है गिल्टी जिसको हम 319 में क्या करना चाह रहे हैं, एडिशनली प्रोसिक्यूट करना चाह रहे हैं, तो कोर्ट को इम्पेडिमेंट नहीं है, फिर आप कंटिन्यू करो मेन वाले ट्रायल को और इसको बुला लो और इसका क्या कर लो, आप सेपरेट ट्रायल कर लो। समझ आ रहा होगा आपको। अगर कोर्ट को लगता है इनको एक्विटल देना है तो फिर आप एक्विटल दो और उसका सेपरेट ट्रायल करो। आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आपने ये वही स्प्लिटअप और मेन ट्रायल वाला, जब कोई पर्सन एब्सकॉन्डिंग होता है, ये वही गाइडलाइन है जिसपे हमने इशू नंबर 2 पे बात करी, तो इसको मैं रिआइट्रेट नहीं कर रही हूँ। अगर सपोज करो कि केस में आर्ग्यूमेंट्स ओवर हो चुके हैं, दोनों पार्टीज के एविडेंसेस हो चुके हैं एंड द जजमेंट इज रिजर्व, तो फिर क्या होगा कि आप कहते हो ना 4 दिन के बाद जजमेंट सुनाई जाएगी, फिर क्या होगा, अप्रोप्रिएट कोर्स क्या है कि द कोर्ट इज टू सेट इट डाउन फॉर रीहेयरिंग। तो जो ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं अब आप उसको नहीं देख सकते हो, फिर रीहेयरिंग ये होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको वही देखना पड़ेगा, फिर एक्यूज दोबारा से समन, अब आप समन कर रहे हो उसको कब, जब जजमेंट रिजर्व किया गया, फिर समन एक्यूज ही विल अपियर एंड अगेन द डिसीजन विल बी टेकन कि हम इसको ट्राई कैसे करें। तो आई होप सारा थोड़ा सा ओवरलैप है इसमें, बट आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ। इवन इन सच अ केस एट दैट स्टेज इफ द डिसीजन इज टू समन एडिशनल एक्यूज एंड टू होल्ड अ जॉइंट ट्रायल, द ट्रायल शैल बी कंडक्टेड अ फ्रेश एंड डी नोवो प्रोसीडिंग्स बी हेल्ड, पर्पस इज क्रॉस एग्जामिनेशन अगेन। आप यू कैन नॉट रूल आउट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपको देखना पड़ता है, फेयर ट्रायल देना है। इफ इन दैट सर्कमस्टांस द डिसीजन इज टू होल्ड अ सेपरेट ट्रायल, तो फिर क्या होगा, मेन केस को आप प्रोसीड करो और सेपरेट ट्रायल केस का जो जजमेंट आएगा सो आएगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार इसको गाइडलाइंस को नहीं बट पहले वाले हम जो पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। जजमेंट कब कंप्लीट मानी जाती है, एक्विटल हो रहा है अगर, एक्विटल हो रहा है अगर तो जब आपका एक्विटल ऑर्डर आ जाता है तब। अगर कन्विक्शन हो रहा है तो यहाँ पे साथ में नीड पड़ती है किसकी, सेंटेंस ऑर्डर की। अगर आपका केस बाइफरकेट हो रहा है, तो सपोज ये अगर आपका मेन ट्रायल है, ये आपका स्प्लिट अप ट्रायल है, तो यू हैव टू सी कि एविडेंस कहाँ से आ रहा है। तो आप अगर सपोज करो ये केस कंक्लूड हो चुका है, दिस केस इज ऑलरेडी कंक्लूडेड, सेंटेंस ऑर्डर इज पास्ड, फिर यू कैन नॉट एक्सरसाइज 319।
तो अगर स्पीडअप से आ रहा है फिर यू कैन एक्सरसाइज। तो यही चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है इस केस को करने के लिए। मोर ओवर द पावर ऑफ 319 इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर। इसको कैवेलियर मैनर में नहीं यूज करना होता, कोजेंट एविडेंस होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि वॉट इज द रिक्वायरमेंट, वॉट इज द नेचर ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस केसेस। सो आई होप आपको ये केस पूरा समझ आया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द चैनल वीडियोज, बाकी के जो भी एविडेंस लॉ पे अच्छे वीडियोज हैं। सो ऑल राइट, ऑल्सो लाइक एंड शेयर शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर।